वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी आज मैंने ब्लॉग रात को स्टार्ट किया है क्योंकि जो मेरा मोबाइल था अब पुराना हो गया और मेरे पास मतलब इतना बजट नहीं है तो मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता हूँ। तो इसी मोबाइल से मैं काम चला रहा हूँ। अगर मेरा यूट्यूब चैनल अगर अच्छे से ग्रो होगा तो फिर मैं नया मोबाइल लेके आ जाऊँगा, फिर उसमें अच्छे वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ख़राब हो जाती है और अभी इतना मतलब इसे मोबाइल को 7 साल हो चुके हैं और तो भी मैं अभी इसे काम ले रहा हूँ। मम्मी बोल रही है इसे 10 साल हो गए, मेरे को तो पता नहीं। और अभी अभी जस्ट यहाँ से खुशी गई है। आप मेरे रोज़ व्लॉग देखते हो डेली और देखते तो हो पर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो प्लीज़। मैं तो आपको यह कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मुझे। और आज मैं अभी पापा तो गए हैं गाँव तो आज मैं अभी आटा पीसूँगा, खुद आटा पिसा ही घर पर ही करेंगे हम। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आटा पीस रहे, अभी मैं पीसूंगा आटा। और मम्मी यहाँ बैठी है ये बाहर, ये देखिए मम्मी क्या कर रहे हो। कुछ नहीं बेटी, रोटी बना के आई हूँ। अब बेटा थोड़ी देर हवा खा रहे बाहर। मम्मी अभी जस्ट रोटी बना के बाहर आए, हाथ पैर धो रहे हैं, हाथ पैर धोए हैं मम्मी ने। तो अभी खाने में क्या बनाए देखते हैं। और अभी वैसे भी मैं अभी आटा पीसूँगा तो मुझे चक्की चलानी आती है, मेरे पापा ने सिखाई मुझे। तो अभी चलाना बताएंगे, मैं आपको भी सिखाऊंगा कि चक्की कैसे चलाते हैं। अभी मैं खाना खा रहा हूँ और मम्मी भी खा रही है। दीदी ने तो खाना खा लिया है और खाने में बनाया है गट्टे की सब्जी और रोटी, मस्त गरम गरम रोटियाँ बनाई है मम्मी ने। खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और अभी हम आटा पीसेंगे तो आपको बताऊँगा। अभी मैं लेके आ गया हूँ चक्की बाहर गैरेज में और ये रही चक्की और अभी हम पीसते हैं गेहूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पीसते हैं। ये हमारी चक्की आज से 20 साल पुरानी रवि कंपनी की और यहाँ पे कपड़ा इसलिए डाल रखा है कोई चूहा वगैरह इसके अंदर ना जा पाए। ये कपड़ा हमने निकाल दिया। उसके बाद ये यहाँ से आटा आता है और ये जो दिख रहा है आपको ये ऐसे घूमता है, इसे हम ऐसे घुमा के पहले लूज़ करना पड़ता है, ऐसे घुमाएंगे फिर ये लूज़ होता है। मतलब ये यहाँ से ऐसे पीछे आएगा इसके तो जो अंदर से चक्की है वो खुल जाएगी ऐसे, और जैसे हम कसेंगे वैसे वैसे चिपकेगा, जितना हम दबाएंगे उतना बारीक आटा पीसा जाएगा। तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते आटा के, बारीक पीसना है या जाड़ा पीसना है। तो अभी हम चालू करते हैं इसका, ये यहाँ पे बटन दे रखा है तो और यहाँ पे गेहूँ डालने हैं ऊपर और यहाँ से गेहूँ कम ज़्यादा कर सकते हो, कितनी ज़्यादा डालने कितने स्पीड से डालने।
अभी मैंने गेहूँ पीस दिए हैं और अभी मम्मी ने और दीदी ने बिस्तर कर दिए हैं और पापा तो गांव गए हैं, आपको पता ही होगा क्योंकि खेती का काम है। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप मेरे डेली वीडियो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।